किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूँ। जो डिफाल्टर हैं, उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1,739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1,739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूँ। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफाल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता, यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है, वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी, 5,47,900 किसान है और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1,739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का, यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए।